गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अकरम हुसैन अनलॉक योर माइंड पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम इमानी है। इससे पहले हम कुछ बात करें, हम इमानी को कुछ वर्क दे देते हैं। बेटा इमानी, आप कुछ पढ़ लीजिए जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, सरसरी नजर से आप आराम से देखिए, ओके, जब तक हम आप लोगों से बात करते हैं। इस बच्चे का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इस बच्चे को भी अभी 10 डेज कंप्लीट हुए हैं और बहुत कुछ इनके अंदर बदल चुका है। मैं आपको बता दूं, 20 तारीख से, 20 मई से एक हमारा और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है जिसकी सीटें सीमित हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। और मैं बता दूं, हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग की। फिर से मैं बताना चाहूंगा क्या है ये क्वांटम स्पीड रीडिंग और क्या यूज है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। ये छोटी सी बच्ची है, आज की तारीख में ये किसी भी चीज को सरसरी नजर से देखने मात्र से उसको लर्न कर लेती है। इवन इसके अंदर ब्लाइंड पोल एक्टिविटीज भी हैं, आंखों पर पट्टी बांध के कोई भी कलर को पहचान सकती है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ताकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो ये बच्ची किसी भी चीज को बहुत आसानी से लर्न कर सकती है। जिस चीज में आपके बच्चे को 1-2 दिन जिस चीज को लर्न करने में लगते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से उस चीज को वो 1-2 घंटे में नॉर्मली लर्न कर सकता है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो 1 घंटे में 100 पेज, 200 पेज, 300 पेज तक लर्न कर सकते हैं। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको ये रास्ता दिया है, वो बहुत तेजी से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है, वो बहुत सी चीजों को आसानी से लर्न कर लेते हैं, लर्निंग एबिलिटी उनके अंदर बहुत बढ़ चुकी है। क्वांटम स्पीड रीडिंग के माध्यम से हम बड़े से बड़े सब्जेक्ट को आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसके अंदर एक मेमोरी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी कि जिस तरह से हम किसी एक फोटोग्राफ को देख कर उस पूरी की पूरी घटना का विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें जब आप किसी भी एक पैराग्राफ को देखते हैं, देखने मात्र से उसके माइंड में, आपके माइंड में उसके प्रति एक बहुत पूरी की पूरी घटना आपके माइंड में घूमने लगती है और सारी की सारी चीजें आपको लर्न हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि आपका बच्चा बहुत तेजी से विजुलाइज करना सीखता है, उसकी विजुलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो क्रिएटिव स्वभाव का हो जाता है, लर्निंग पावर बढ़ जाती है, वो बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से लर्न कर सकता है। अगर वो क्लास में लास्ट बेंच पर है तो वो फर्स्ट बेंच पर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, वो बहुत तेजी से अपने आप को इम्प्रूव करेगा, उसकी क्लास में उसकी छवि सुधरती जाएगी, क्योंकि वो टॉपर है। उसको सिर्फ टॉपर बनना नहीं है, वो टॉपर है। समझना पड़ेगा कैसे। बेटा पढ़ लिया? ओके, आप आंख बंद करके इसको रिकॉल करें। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, वो कैसे करेगा। वो सब कुछ कर सकता है, बट देखना पड़ेगा कैसे। जिस प्रकार से एक 3 घंटे की मूवी को हम 3 घंटे में नॉर्मली याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से आपका बच्चा पूरी की पूरी बुक को ऐसे याद कर लेगा, ऐसे लर्न कर लेगा, ऐसे समझ लेगा जैसे किसी मूवी को। इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, वो पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास आज की तारीख में एक बच्चों का सुबह 6 बजे का बैच है। जो बच्चे लॉकडाउन में 9-10 बजे से पहले नहीं उठते थे, हमारे प्रोग्राम में आज की तारीख में वो सुबह 6 बजे उठते हैं और सुबह 6 बजे से हमारे प्रोग्राम को वो अटेंड कर रहे हैं और अपने माँ बाप को भी, अपने पेरेंट्स को भी उठाते हैं, कहते हैं मम्मा आज मेरे को उठा देना, जल्दी उठा देना। ये एक्टिविटी कहाँ से आई? क्योंकि ये उनके मन में इस चीज को बैठा रहा है, वो उनकी लर्निंग पावर बढ़ रही है, उनको खुश रहने की आदत आ रही है, वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों को बहुत मजे के साथ वो पढ़ते हैं। यही तो उनको चाहिए था, बच्चे की लाइफ को वो अपने तरह से जिए। माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेजने वाले हैं, क्यों बाहर भेज रहे हो? उनकी जिंदगी को आप देखो, उनके बचपन को आप देखो, वो यहीं रह के सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके शहर में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, वो जहाँ पढ़ रहा है वो भी बहुत अच्छा स्कूल है। आप उसको देखना पड़ेगा, आपने उसको समझना पड़ेगा। बेटा हो गया? यस सर। हाँ, क्या सुना, क्या आपने देखा, सुनाइए।
बुक को हाथ में पकड़िए। ओके, अब सुनाइए। मोर हमारा बच्चों, क्या आपका नाम पहले बताइए, आप कहाँ से हैं और स्कूल का नाम, फिर हम बात करेंगे। माय नेम इज इमानी। ओके, आई लिव इन टोहाना। माय स्कूल नेम इज ज्ञान कॉन्वेंट स्कूल। आई रीड इन थर्ड क्लास। कौन कहाँ रहते बेटा आप? डीएवी स्कूल, डांगरा रोड। हरियाणा में रहते हैं सर? टोहाना। ओके ओके, कैरी ऑन। आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप सुनाइए, क्या पढ़ा आपने? बच्चों, क्या आपने मोर देखा है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वह बहुत सुंदर होता है। उसके पूरे शरीर का रंग नीला होता है। उसके वह नीला रंग बहुत चमकदार होता है। उसकी पूंछ बहुत बड़ी होती है। उसकी पूंछ पर चांद के आकार के निशान बने होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। वह सुंदर होती है। उसको माना जाए तो उसे ये भी कह सकते हैं कि मोर के सिर पर मुकुट रखा है। मोर, आपको ये पता है क्या, मोर के पैर सुंदर नहीं होते, पर किंतु मोर इन पैरों से बहुत अच्छा नाचता है। जब आसमान में काले बादल चढ़ते हैं तो मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर कीड़े मकोड़े और पके फल खाता, अनाज के फल खाता है। वह सांप को भी मार सकता है। वेरी गुड बेटा, आपने अभी इसको पढ़ा, आपको याद हो गया। जब आंख बंद किया तो आपको क्या लगा, क्या दिखाई दे रहा था, क्या फिल्म की मूवी की तरह आ रहा था, कार्टून की तरह? तो अभी कैसा लग रहा है, आपने एंजॉय किया उसे? सर, जो अभी मैंने बुक में देखा था वो ही। पहले से पढ़ने में और अब के पढ़ने में क्या फर्क दिख रहा है आपको? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे अपने साथ के जो आपके आज हमारे व्यूवर्स, आपकी एज के बच्चे जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या ऐसे प्रोग्राम लेना चाहिए? Yes, sir. तो आप अभी क्या क्या एक्टिविटी करते हैं इस प्रोग्राम के बाद से, क्या क्या आपको नया महसूस हो रहा है? दिखता जो वो करती हूँ और आईज क्लोज करके कलर पहचानती हूँ। और वेरी गुड, आपकी आंख पे आईज क्लोज करके आंख पर पट्टी बांध के हम बुक भी अगले आपकी अगली वीडियो में करवाएंगे। ओके, बहुत अच्छा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की तारीख में इस बच्ची ने बहुत कुछ हासिल किया है। अभी एक छोटी सी बच्ची है, उसको इवन सही से अभी बोलना भी नहीं आता है, लेकिन आपने देखा कि सारी की सारी चीजों को एक सरसरी नजर से उसने देखा और याद कर लिया। आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है, वो भी टॉप पर जा सकता है। ध्यान रहे कि आपका बच्चा एक सुपर कंप्यूटर है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो औसम है। ईश्वर ने उसको एक स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा किया है, बट आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।